गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू हो यू हैड बिन वेटिंग फॉर दिस क्लास विग्रसली सो गाइज इफ यू सी वेट इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस बेस्ट क्लास फॉर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी तो शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी क्लास की सभी बच्चे पहुंच जाए क्लास में लाइव <coughs> सभी बच्चे लाइव आ जाएं जाएकेंसी रूबी जयसवाल वेरी गुड इवनिंग जी सो रूबी जयसवाल गुड इवनिंग ऑल राइट सुनैना गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग संजीव गुड इवनिंग जी संयोगिता गुड इवनिंग तो बच्चों आज का सेशन बेसिकली मैं कहूं तो इट हैज बीन ऑन माई माइंड टू मेक यू लर्न समथिंग अबाउट द स्ट्रेटजी हाउ टू प्लान फॉर द यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 बेसिकली लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर प्लान वुड बी फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम यानी कि इफ यू वांट एग्जाम बट बेसिकली स्पेशली पर्टिकुलरली वी आर टेकिंग इट फॉर यू पीटी पीडीटी मतलब इसी तरह से इसी पैटर्न पे आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत बेहतर स्ट्रेटजी है बाकी आप इसको देखेंगे और जानेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे हमारे लिए बेहतर हो सकती है और कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं बेसिकली हमारे कई बार माइंड में रहता है एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेनी आस्किंग मी सर हाउ टू स्टडी वी आर कन्फ्यूज वी आर कन्फ्यूज वेयर फ्रॉम वी शुड स्टार्ट है ना कहां पे एंड करें कहां से स्टार्ट करें एक्सेट्रा सो दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट वॉज द बेसिक रीजन बिहाइंड कि मुझे ये क्लास आपके लिए बनानी पड़ी सो so, बढ़िया बात है बच्चों के क्वेश्चन हैं उनको रिजोल्व भी करेंगे तो आज की पर्टिकुलर क्लास इसी पे बेस्ड है कि हम कैसे इस स्ट्रेटजी को बनाए कैसे हम प्लान करें तो बच्चों प्लान करने की शुरुआत कर लेते हैं लगभग सभी बच्चे आ गए हैं मैं कहता हूं और भी बच्चे जुड़ जाएं और अपने वर्क पे ध्यान दें बेसिकली वो बच्चे जो बेसिकली इसके लिए आस्क कर रहे थे वर आस्किंग फॉर दिस जी तन्मय में वेरी गुड जी नमस्ते महिमा गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जी आरती वेरी गुड इवनिंग रीना गुड इवनिंग राइट बच्चों सो <coughs> so, कैसी प्लान होनी चाहिए हमारी कैसे हम वर्क करें और कैसे हम अपनी टेंशन जो लाइफ की हैं या और प्रॉब्लम्स है उनसे डील करें तो ये सारे क्वेश्चंस आज आपको यहां पे मिलेंगे बच्चों और हम इनके सॉल्यूशंस देखेंगे कि हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस ऑफ अवर लाइफ तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने वर्क की बच्चे लगभग पहुंच चुके हैं अच्छा करियर विल पे तन में अगर हम देखें तो क्लास चल रही है आपकी बट वहां पे बेसिकली अदर क्लासेज हैं अगर स्पेशली आप यूपी के लिए देख रहे हैं तो वो तो वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन हा डीएसएसबी के लिए वहाँ पे है ऑल राइट बच्चों वन मोर सीरीज ऑफ ग्रामर ओनली जी संजीव करेंगे बेटा हम बिल्कुल शुरू करेंगे जी मीनू वेरी गुड इवनिंग तो चलिए बच्चों वर्क की शुरुआत करते हैं यानी आज का जो सेशन है मैंने फिर से मैं फिर से बता रहा हूं सब बच्चों को कि दिस पर्टिकुलर सेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी एग्जाम भाई आपका चाहे डीएसएसबी टीजीटी का है या अदर एग्जाम है यूजीसी नेट का है जो भी एग्जाम है उसके लिए आप इसे फिट कर सकते हैं यहां पे ये पर्टिकुलर मैं किसके ले रहा हूं यूपी टीजीटी पीडीटी के लिए लेकिन सीख सकते हैं आपके हाउ टू अप्लाई दैट जी कल कल इसकी क्लास होगी तन में टुमारो वुड बी द क्लास फॉर दिस ठीक है तो बच्चों हम कुछ स्लाइड इसको देखते हैं आई हैव टेकन सम स्लाइड फॉर यू तो इसकी हम शुरुआत कर देते हैं तो बच्चों सबसे पहली बात यहां पे है बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपी टीईटी लिखा है ये टीजीटी है टीजीटी टी पीडीटी टू तो बेस्ट स्ट्रेटजी होने का मीनस स्ट्रेटजी बहुत सारी हैं सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं कि इट डिपेंड्स ऑन अस मैं आपको बता रहा हूं यह कि ये आपको अपने पर्सनल यूज और पर्सनल स्ट्रेंथ और पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सेट करना है देखो इसका मींस क्या है इसका मींस ये है कई बार आपका क्वेश्चन होता है कुछ बच्चों का होता है कि क्या हम टेन आवर्स पढ़ लें तो हमारा निकल जाएगा या फिर हम टू आवर्स डेली पढ़ें तो या फिर हमें बारह घंटे बैठना पड़ेगा तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट आंसर यह है कि इट डिपेंड्स ऑन यू कुछ बच्चे दो घंटे पढ़ते हैं तो भी क्वालिफाई कर लेते हैं कुछ दस घंटे बैठे रहते तो भी मुश्किल आती है इसका मीन्स ये है कि सबसे बेहतर हमें देखना आउटपुट क्या है <coughs> यानी जो भी आपने पढ़ा मान लिया आपने एक घंटा लगाया दो घंटे या पांच घंटे लगाए यू नीड टू फाइंड आउट के वट इज योर आउटपुट आपकी आउटपुट क्या बने क्या आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं अगर नहीं सोल्व कर पा रहे हैं गो बैक एंड चेंज द स्ट्रेटजी आपको कभी भी अपना गोल नहीं बदलना है आपको सिर्फ क्या बदलनी है प्लान बदलनी है वो स्ट्रेटजी बदलनी है जिसपे आप चल रहे हैं लगातार तो बेस्ट स्ट्रेटजी अगर मैं कहूं तो टू क्रैक द एग्जाम ये मेरे अकॉर्डिंग है मतलब मेरे का मतलब यहाँ पे मैंने साइंटिफिक तौर से इसको लिया है यानी कि इफ यू सी इफ यू गो थ्रू द प्लानिंग तो प्लानिंग इसी तरह से होती है तो बच्चों जरा हम इस प्लानिंग की बात करते हैं इस प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट जो आता है हाउ टू प्लान हमारे मन में होता है हम कैसे प्लान करें तो इस प्लान को हम देखते हैं आज प्लानिंग होती क्या है कुछ भी अगर हमारे माइंड में आता है हम उसका एक ब्लू प्रिंट माइंड में बनाते हैं सबसे पहले इमेजिनेशन माइंड में होती है आपके मन में आए कि यार लेट मी गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है अब मैं क्या करूं अच्छा फॉर्म निकल गए हैं चलो ठीक है फॉर्म का इंतजार फॉर्म का इंतजार करेंगे फिर फॉर्म निकलेंगे आप उसे भरेंगे या फिर आप पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं या उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे ये एक ब्लू प्रिंट माइंड में हो गया लेकिन फिर भी मन में आता है हाउ टू प्लान प्लान शुरू कैसे करें तो बच्चों देखो प्लान कैसे शुरू होती है और हम कैसे वर्क करते हैं कई तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड के यहीं पर सॉल्व होंगे तो जरा देखिए मेरे साथ में फॉर <clears> एग्जाम्पल <throat> हमने एग्जाम लिया हमारा यूपी टीजीटी का हम टीजीटी पे फोकस कर रहे हैं राइट नाउ अगर बच्चों हम यूपी टीजीटी पे फोकस करें तो हाउ टू प्लान की कंडीशन कैसे बनेगी सबसे पहली बात देखो कि एक इस यूपी टीजीटी का बच्चों सिलेबस होता है सबसे बड़ी चीज सिलेबस है आपको यही कवर करना होता है क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं टीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं, सक्सेसफुल बनाएंगे ये कहां से आते हैं इस सिलेबस से ये आपको कंप्लीट करना है यानी सिलेबस कंप्लीट करने का मीन आपको चीजें याद भी रहनी चाहिए आपने आप उन्हें रिफ्लेक्ट कर सकें आप रिमाइंड कर सकें आप उन्हें रिकलेक्ट कर सके सारा कुछ होना है तो ये हम कैसे बना पाएंगे बिल्कुल ठीक है हम बना पाएंगे इसका मतलब इसे करने के लिए हमारे पास कुछ डेज है डेज का मीन्स यहां पर क्या है बच्चों टाइम से तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि टाइम का मीन्स क्या बना हम जरा आपको लेके चलते हैं इसी तरह जी तो सब बच्चे जरा देखें हाउ टू मेक दिस टाइम ठीक है जी बच्चों देखो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है इस सिलेबस में हमें कैसे प्लानिंग करनी होती है या किसी भी एग्जाम की प्लानिंग होती क्या है इस पे फोकस करना है प्लानिंग का मतलब देखो सब बच्चे सिलेबस है 125 ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है फिर उसकी प्लानिंग है हम क्या करते हैं एक बार इस सिलेबस को मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं कि सिलेबस हमारा है क्या बच्चों ध्यान से देखो इस लेवल के 125 क्वेश्चंस जो होंगे इन 125 क्वेश्चंस क्वेश्चन से लगभग और लगभग आपके 60 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस होंगे ग्रामर से यानी ग्रामर होगी इसमें प्लस इसी में होगा कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन बल्कि कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस अलग से आप ले लो इसमें तो कितने होंगे सेवेंटी सेवेंटी के बाद कितने बजे थर्टी टू फिफ्टी फाइव लगभग फिफ्टी क्वेश्चन आपके लिटरेचर और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके कुछ फिगर ऑफ स्पीच से होंगे है ना यानी कि फाइव क्वेश्चन आप लगा लो फिगर ऑफ स्पीच तो ये आपका बनेगा यहां पे अब ध्यान से देखेंगे इस ग्रामर को मैं इस ग्रामर को थोड़ा सा इधर लेके जा रहा हूं ग्रामर के टॉपिक आपके बने बच्चों नाउन दिख रहा है आपको हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल ठीक है नाउन हुआ प्रनाउन हुआ एडजेक्टिव हुआ प्रपोजिशन हुआ स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव प्रपोजिशन वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन है ना और बच्चों इंटरजंक्शन फिर नाइन नंबर पे हम देखेंगे नरेशन टेन पे देखेंगे वॉइस इलेवन पे देखेंगे टेंसेस है ना ट्वेल्व पे देखेंगे हम सिंटेक्स मैं ऐसे ही और भी यहां पे लिख सकता हूं कम से कम कम से कम फिफ्टीन टॉपिक्स बच्चों आपके हैं कितने टॉपिक्स हैं फिफ्टीन टॉपिक्स नंबर वन अब जरा कॉम्प्रीहन को देखो कॉम्प्रीहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी क्या बनानी है प्रैक्टिस लिटरेचर को देखो लिटरेचर में अगर यहां पे मैं आपको बताऊं तो फोर राइटर्स तो बच्चों आपके हैं ही और प्लस आपको एजेस भी करनी है आपको फॉर्म्स जिनको हम कहते हैं लिटरेरी टर्म्स लिटरेरी टर्म्स भी करनी है यह सारा वर्क आपको इसमें करना है और प्लस आपके एफओ ओ एस फिगर्स ऑफ स्पीच राइट एवरीवन ये आपका बना वो सिलेबस जो आपको करना है अब एक बार बच्चों क्या करते हैं इसमें टाइम की बात करते हैं हमारे पास टाइम कितना है तो कम टू द प्लानिंग पे आते हैं देखो एग्जाम आपका है सेवन ऑफ अगस्त सेवंथ ऑफ अगस्त ठीक है बच्चों? सात अगस्त को आपका एग्जाम हुआ तो आज से आप डेज गिनो क्योंकि आज से ही मैं प्लानिंग को ले रहा हूं जैसे PGT के लिए आपके पास 50 डेज जबकि TGT के लिए एग्जैक्ट 10 डेज लेस क्योंकि वो कितने को है 17th अगस्त को है ना ठीक है बच्चों 17th अगस्त या 16 16 17 तो हम 7 अगस्त से लगा लेते हैं अब TGT पे क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं इस पे देखो 7 अगस्त को एग्जाम है अब आप देखो क्या चल रहा है बच्चों आज कितना कितने 27th जून तो पहली बात तो जून के दिन लगा लो कितने दिन बचे सत्ताईस गए का मतलब तीन बचे तीन दिन हमारे बचे थ्री डेज किससे बचे जून से अब आप आज जुलाई में थर्टी वन डेज राइट थर्टी वन डेज आपको जुलाई से मिलेंगे और अगस्त में आपको कितने दिन मिलेंगे ओनली एंड ओनली सिक्स डेज देखो अगर यहां पर सिक्स है सिक्स का है आपका एक दिन कम कर देंगे सेवन का है एक दिन बढ़ा देंगे समझ रहे बात को तो टोटल कितने बने आपके देखो छ तीन नौ एक दस और फोर फोर्टी डेज तो बच्चों आपके टोटल फोर्टी डेज हुए क्लियर हुआ थोड़ा सा जी हां जी महिमा बिल्कुल करवाएंगे बेटा तो बच्चों सबसे पहली बात आपने देखी जी रजनी गुड गुड इवनिंग आपने सबसे बढ़िया बात देखी कि फोर्टी डेज आपके पास है अब ध्यान से देखो आपके मन में आया क्या फोर्टी डेज में सारे फोर्टी डेज हमारे लग जाएंगे जी नहीं बच्चों एक महीने में तीस दिन होते हैं देखो ये रियलिस्टिक बात मैं बता रहा हूं आपको रियलिस्टिक प्लानिंग क्या है थर्टी डेज आपके पास एक दिन में होते हैं इन थर्टी डेज के आप मुश्किल से ट्वेंटी डेज यूज करते हैं जो दस दिन होते हैं ना वो आपके बेकार जाते हैं ये एक साइंटिफिकली प्रूव चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन हमारे मन में आ सकता है नहीं जी हम तो बढ़ा सकते हैं तो बच्चों आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे बीस दिन लेके चलेंगे और बाकी बचे डेज 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 में से 5 ले लेंगे आपके पास टोटल 25 वर्किंग है ये समझ लो इतने आप खो ही देते हैं सीरियस हो जाए तो थोड़े कम हो जाएंगे आप थोड़े से लूज कर जाए तो गड़बड़ हो जाएंगे ये बनेगी बात जी हेमा गुड इवनिंग राइट बच्चों देखो 25 डेज में आप क्या कर सकते हैं अब आप देखो 25 डेज हमारे पास है रियलिस्टिक वे में आपका मना है तो 40 भी जोड़ लेना लेकिन कभी रियलिस्टिक नहीं होगा अब आप ये देखो कि एक दिन में बच्चों आप कितने घंटे पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में पढ़ते हो पांच घंटे मैंने पांच घंटे ले लिए फाइव आवर्स डेली आप पढ़ते हैं बढ़िया से पढ़ते हैं तो टोटल देखो कितने बन गए ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव बच्चों कितने होंगे वन ट्वेंटी फाइव करेक्ट अगर आप यहाँ पे चार घंटे पढ़ते तो कितने होते हंड्रेड तो आपके पास अब से लेके तब तक अगर आप फाइव आर्ट्स घंटे हैं मैं देखो हिंदी में लिख रहा हूं 125 आवर्स इससे ज्यादा नहीं है अब आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है चलो ये तो हमें समझ में आ गया जबकि मैं आपको बताऊं ह्यूमन बीइंग का एक जो माइंड होता है वो कैसे वर्क करता है वो करता है अरे अभी तो जून चल रहा है यार फिर तो जुलाई आएगी पूरा महीना पड़ा है है ना रात दिन एक कर देंगे पूरी रात होती पूरा दिन होता है और फिर आगे अगस्त भी तो पढ़ा है इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे कहा जाएगा इंडिपेंडेंस भी तो मनानी है ऐसे कर करके हम निकाल देते हैं मतलब हमें लगता रहता है तो बहुत लंबा है लेकिन हकीकत देखो ये ये मैं आपको बता रहा हूं इसमें आप दो चार दिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हो सकता है कि आप पांच दिन खराब करें थर्टी डेज में से लेकिन बच्चों ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव अगर पांच घंटे आप पढ़ते हैं एक सौ पच्चीस घंटे अब इधर आ जाओ आप एक सौ पच्चीस घंटे में से आप देखो बच्चों मुझे बताओ नाउन को करने में आप कितने घंटे लगाओगे एक छोटा सा मुझे डिस्क्रिप्शन दो मतलब आपका कमेंट आए जी बिल्कुल ठीक है रजनी अगर आपको नाउन करना है तो नाउन में आप कितने घंटे लगाओगे सोचो जरा एक घंटा दो घंटे तीन घंटे यही एवरेज आपका किस में रहेगा प्रनाउन एडजेक्टिव प्रपोजिशन वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन इन सब में रहेगा तो जरा सब बच्चे मुझे बताएं एक घंटा एक चलो ठीक है रीना ने एक घंटा कहा है एक घंटे में हम नाउन को कर लेंगे करेक्ट कुछ बच्चों को ज्यादा समय लग सकता है वो अपने आप सोच लें ज़्यादा घंटे भी लग सकते हैं तो ठीक है बच्चों हमने एक घंटा लगा लिया कितने हो गए हमारे 15? तो अगर आप एक-एक घंटे एक में भी इनको करते हैं तो आपके हो गए right? दो घंटे में कर सकते हैं वो थर्टी घंटे लगा ले यहां पे थर्टी आवर्स आपने कहा डन अब जरा इधर आ जाओ वैसे जो एवरेज है वो कम से कम तो दो घंटे जाता ही है बच्चों दो घंटे आपके लगते हैं एक घंटा कम है घंटा तब है जब आपने प्रिपेयर प्रिपेयर पहले से किया हो सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तीस घंटे आपके आपने कहा डन अब इधर आ जाओ ग्रामर वाला काम आपका पूरा आवर्स अब इस को देखो बच्चों में प्रैक्टिस होती है अगर आपने पहले से कर रही है तो कम से कम फाइव तो आप इसको दोगे ही दोगे आपने कहा डन अब ये चार राइटर्स देखो सब बच्चे मुझे बताएं कि एक अकेला शेक्सपियर करने में आपको कितने घंटे लगेंगे रियलिस्टिक वे में बताना अगर हम सिर्फ शेक्सपियर को बच्चों करें तो हम कितनी देर में कर सकते हैं अच्छा ठीक है आप कर सकते हैं ठीक है ऑल राइट ट्वेंटी मिनट्स जी रूबी गुड इवनिंग तो बच्चों अगर मैं शेक्सपियर की बात करूं देखो शेक्सपियर में क्या बायोग्राफी है शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हैं एंड देन उन वर्क्स को आगे एक्सपेंड करना है उनके एक एक कैरेक्टर को आपको जानना है कोटेशन को जानना है कैसे रिलेशन है उनका हिस्ट्रीज कॉमेडीज ट्रेजिडीज सबको एक जगह करना है तो पूरा शेक्सपियर आपको करने में कितने घंटे लगेंगे एक बार एवरेज बताओ मुझे हाँ जी पूरा एक दिन लग जाएगा बिल्कुल ठीक कम कम तो हुआ है, है नोट तब एक दिन लगेगा तो देखो शेक्सपियर कैसे चार राइटर करने में आपको लग गए बच्चों चार दिन फोर डेज और फोर डेज का मीन क्या हुआ फाइव इंटू फोर बीस घंटे आपके है ना मैंने यहां पे जोड़ दिए बच्चों बीस घंटे अब जरा एजेस को देखो एजिस आपकी थर्टीन है इसमें से क्वेश्चन करनी है एक एज में कम से कम आपको कितना घंटा एक घंटा लगेगा दो घंटे एवरेज दो घंटे मान के चलते हैं कुछ जल्दी हो जाती है कुछ देर में होती हैं तो थर्टीन इंटू टू कितने हो गए बच्चों ट्वेंटी सिक्स आवर्स तो हमारे कितने हो गए आगे हम देखेंगे ट्वेंटी सिक्स आवर्स तो देखो ट्वेंटी सिक्स आर्स हमें किसमें लगेंगे एजेस में लिटरेरी टर्म्स अगर आप देखेंगे कम से कम कम से कम बच्चों टेन आर्स का काम है टेन आर्स ठीक है बच्चों अब हम यहां थे फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको कम से कम फाइव आर्स लगेंगे फाइव और जोड़ दो आप इसमें अब टोटल देखो कितना बना सिक्स है ना नाइन ये नाइनटी सिक्स हो गए बच्चों कितने आर्स आपके पास हैं 96 सिक्स आर्स करेक्ट एवरी वन तो वी हैव गॉट 96 अब देखो कितने थे हमारे पास 125 हमने 125 से कितने हटा दिए बच्चों 96 देखो हमारे पास कितने बचे ये बचे हैं हमारे पास अब 25 फाइव ट्वेंटी नाइन आर्स क्या देख पा रहे हैं सब बच्चे हमारे पास 29 नाइन आर्स बच्चे हैं इन 29 नाइन आर्स को आप किसमें लगा सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में नंबर वन आप कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं है ना नंबर टू क्या कर सकते हैं किसी के लेक्चर को देख सकते हैं है ना आपके मन में आता है मैंने यूथ वाली तो कर ली जरा घटना चक्र को भी देख लू है ना किसको देख लू घटना चक्र को या आपके मन में आता है अरे डब्ल्यू जे लॉन्ग तो मैंने एक बार खोली भी नहीं है तो डब्ल्यू जे लॉन्ग पे भी एक नजर मार ले ऐसे कर करके बच्चों आपका टाइम इसमें निकल जाता है नाउ यू सी अब इस पूरी बात को देखो ये जो हमने बात बनाई है आर्ट्स की बच्चों रियलिस्टिक वे में ये तब है जब आपने पीछे सारा कवर कर रखा है सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हैं आगे आप बढ़िया तरह से जानते हैं कि कितने घंटे में आप नाउन कर सकते हैं या कितने घंटे में आप एक शेक्सपियर या फिर वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं ये आपको सबसे बढ़िया पता है अब आपको क्या करना है अगर आपके आर्ट्स कम पढ़ते हैं मतलब मेरे लिए दो घंटे या एक दिन में आपने कंप्लीट कर लिया अगर आपके पास आर्ट्स कम कर दे और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस का होना इसमें बढ़िया तरह से प्रैक्टिस का हमने जो तैयार किया वो हमें याद भी हो ये भी सारा कुछ होना है तो इस प्रैक्टिस के लिए आप कम पड़ जाए आर्ट्स तो आर्ट्स बढ़ा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आपको पता है कि मैं तो एक दिन में दस घंटे पढ़ लेता हूं मेरा दस घंटे का एवरेज है तो आपके पास कितने हो गए दो आर्ट्स अब देखो इतना करके इतना बचा के आगे आप इसकी प्रैक्टिस बना सकते हैं करेक्ट बच्चों आप क्या बना सकते हैं प्रैक्टिस अगर आपको लग रहा है कि आर्ट्स ज्यादा है आप कम कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि पांच घंटे से कम करके आपका निकलेगा है ना कम से कम दस घंटे तो आपको बनाना ही पड़ेगा या पांच छह घंटे तो कम से कम और वो भी कॉन्सेंट्रेट हो गए वो भी बच्चों कैसे होके कॉन्सेंट्रेट होकर ये आपकी प्लानिंग है यानी प्लानिंग का मीन से जो सिलेबस हमें दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसे देखना है जरा मुझे कमेंट करें कुछ बच्चों को समझ में आई ये बात या नहीं हाँ लिटरेचर में प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक है हिना हिना जैसे कमेंट कर रही है कि लिटरेचर में प्रॉब्लम है इसका मीन्स क्या हुआ कि वी नीड टू नो विच पर्टिकुलर पार्ट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर मी मतलब कुछ बच्चों के लिए ग्रामर मुश्किल हो सकती है कुछ के लिए कॉम्प्रीहेंशन कुछ के लिए क्या अगर दिक्कत हो सकती है लिटरेचर कुछ को फिगर सुप स्पीच समझ में नहीं आती ऐसा होता है अब इसको भी आप देखेंगे एग्जाम में जब आप जाएंगे सबसे पहले आपको सबसे आसान वाला वर्क करना है मतलब हो सकता है आपको भाई ग्रामर बढ़िया आती हो ग्रामर वाले को कर डालो है ना पेपर आपका कैसा है ऑफलाइन है सामने पूरा पेपर होगा आपके अभी ऑनलाइन नहीं है डीएसएस की तरह से एक बार निकल गया तो पीछे देख ही नहीं सकते आप बड़ी मुश्किल आ गई नहीं और सबसे बढ़िया बात यह है बच्चों कि इस 125 में से आपका जो सिलेक्शन हो जाता है वो कितने पे होता है 80 टू 90 पे पेपर अगर एवरेज रहे 80 टू नाइनटी पे आपका डन हो जाता है यही एवरेज किस में रहता है आपका पीडीटी में टीडीटी पीडीटी मतलब अस्सी नब्बे पे आपका हो जाना है और सीट्स भी इस बार बढ़िया है तो और बढ़िया चांसेस है यू कैन यू कैन हैव दिस अपॉर्चुनिटी यू कैन ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बच्चों आपके पास में है नंबर वन स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे सिलेबस और टाइम मतलब सेवेंथ अगस्त का मीन से यहां पे टाइम है इस टाइम और इस सिलेबस में कैसे आप कोऑर्डिनेशन बनाएंगे यही कोऑर्डिनेशन आपको बच्चों जिताएगा तो पहली बात आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वन अब हम इसमें दूसरी बात करते हैं हम बच्चों सेकंड बात करेंगे यहां पे। यानी वन पॉइंट हम देख चुके हैं यहां पे। This one, how to plan. और देखो दूसरा टाइम बाउंड होना इसमें कई सारे पॉइंटेड टाइम बाउंड होना प्रैक्टिस करना डेली कमिटमेंट होना हमारा रिविजन करना है ना बी इन टच विद डिमांड क्या डिमांड है और मोटिवेट योर सेल्फ ये सारे sitting plan. तो इनको हम थोड़ा -थोड़ा करेंगे. देखो टाइम बाउंड होने का मीन क्या है अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने आप बना ले घंटों में घंटों को बढ़ा ले स्पीड बढ़ा दे कुछ बच्चे क्या करते घंटे नहीं बढ़ाते स्पीड बढ़ा देते हैं कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं काहे को कर देते हैं मोबाइल बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस का कारण है यह आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है जैसे अभी आप इसके बिना नहीं रह सकते आप मेरी क्लास को इसी पे ले रहे हैं लेकिन साथ में बच्चों डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि उस उसपे बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं बड़ी अच्छी अच्छी क्लिप्स पड़ी हैं आप उनको देखते हैं और खुश हो जाते हैं लेकिन वो खुश होना आपके लिए खतरनाक होता है क्यों खतरनाक होता है क्योंकि टाइम वेस्ट है जब तक आप उससे निकल के आते हैं तब तक आप घंटा भर लगा चुके होते हैं माइंड डाइवर्ट हो चुका होता है अब देखो सेकंड बात बच्चों यहां पे सेकंड थिंग हमारी है कि हम टाइम बाउंड कैसे हो तो देखो आज से जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस कैसे होगी टाइम बाउंड होकर टोटल प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास है कितने 125 क्वेश्चन और कितना टाइम है टू आवर्स कितने क्वेश्चन है 125 और कितना टाइम है बच्चों आपके पास है टू आवर्स <coughs> कितने मार्क्स की आएगी जी हिना हिना मैंने बताया बेटा 60 परसेंट रहेगी आपकी ग्रामर 60 परसेंट होने का मीन्स है लगभग और लगभग आपके 70 टू 75 फाइव क्वेश्चन ग्रामर के होंगे अब देखो बच्चों टाइम बाउंड वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन टू आवर्स यानी कितना टाइम हो गया आपके पास वन ट्वेंटी तो आप ये लेके चलो ऑन एन एवरेज वन क्वेश्चन वन मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट होता है इसको आप चेक कर लेंगे जहां तक मुझे याद है टू आवर्स इसमें होते हैं उसी मिनट्स के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर देंगे इसी बेस की प्लानिंग करनी है क्योंकि वहां पे वैसे कम रहता है कि यूपी टीजीडी पीडीडी में समय की आपके पास कमी रहे समय कम नहीं रहता है ठीक ठीक रहता है बट स्टिल वन क्वेश्चन वन मिनट प्लान को आपको लेके चलना है क्योंकि यह स्ट्रेटजी आपको जितवा देगी अगर आप इसे छोड़ेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे तो टाइम बाउंड होकर ही प्रैक्टिस करें यानी कि जब भी आप बैठे दो घंटे के लिए बैठे और कितने क्वेश्चन बनाए वन टी फाइव करके देखें मेरे कितने ठीक हो रहे हैं क्या मैं नाइनटी को क्रॉस कर रहा हूं इक्वल टू या मोर या फिर मैं लेस या इक्वल टू जा रहा हूं सारी बातें आपको देखनी है आपको चेक करते रहना है फीडबैक देनी है कि मेरा कौन सा पार्ट मुश्किल है विच पार्ट इज द प्रॉब्लमेटिक विच पार्ट हो सकता है आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम हो तो बच्चों उस वर्क करो हो सकता है आपकी वोबलरी देखो वो हमारी छूट गई उसमें भी घंटे बनेंगे Vocaps आपकी मुश्किल हो इस वर्क करो और कैसे वर्क करो एवरीडेड वर्क करो हो सकता है आपका फिगर ऑफ स्पीच मुश्किल हो इसपे वर्क करो तो जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है उस पर बच्चों आपको वर्क करना है जिससे आपके मार्क्स बढ़ सके करेक्ट एवरी वन तो आपको टाइम बाउंड होना है नेक्स्ट बात पे आते हैं हम प्रैक्टिस अच्छा ये थोड़ा सा हमारा दब गया है इसमें कोई बात नहीं सो ठीक कर लेंगे ये देख लीजिए तो ग्रामर वो स्पीच जो भी पार्ट आपका मुश्किल है है उसको आप बच्चों रिवाइज करेंगे एवरीडे रिवाइज करेंगे जी प्रिया बिल्कुल ठीक है डन बच्चों अब हम देखते हैं प्रैक्टिस की बात हम आपको बच्चों बताते हैं प्रैक्टिस लिसन एवरीबडी आपने बहुत बार पढ़ा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैं बार बार बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिस का कि प्रैक्टिस चीज क्या है आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को आपने सचिन तेंदुलकर को बच्चों देखा होगा सचिन तेंदुलकर के पास मुझे बताओ कई बार हमने पढ़ा है उनकी बायोग्राफी में पढ़ाए कि सुबह उनकी तीन बजे नींद खुल गई तो तीन बजे क्या करते थे जाते थे सीधे अपने फील्ड में अपने कोर्ट में पहुंच जाते थे और वहां पर प्रैक्टिस शुरू कर देते थे तो ये कैसी प्रैक्टिस थी क्या उनके पास बोल एक दिन छोटी एक दिन बड़ी होती थी क्या उनके पास बैट एक दिन एक मीटर का था अगले दिन दस मीटर का होता था या मोटा बैट होता था भारी बैट ना सेम बैट था सेम बोल थी समझ रहे हो और इसी से वो प्रैक्टिस करते थे यानी सेम क्वेश्चन आपके पास बच्चे होंगे जो कि सबसे बोरिंग काम है दुनिया का सेम क्वेश्चन सेम एवरीथिंग फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है जी प्रिया ने कहा है लिटरेट टर्म्स टफ लगती हैं उसी पे वर्क करना है प्रिया तो बच्चों यही प्रैक्टिस है बेसिकली मैं आपको बता दूं उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना सबसे बड़ा कठिन काम है ये सबसे बड़ा कठिन काम है।, है ना क्योंकि मोस्ट फंडामेंटल है जितनी चीज फंडामेंटल होंगी उतनी ही मुश्किल आएगी प्रैक्टिस करनी है आपको अपने आप को क्योंकि हमारा मन ये कह देता है कि डन हो गया अब कोई जरूरत नहीं है मन ऐसा ही है मतलब मन जो होता है हमारा मैं आपको थोड़ी सी इसकी फ्रिक्वेंसी बताता हूँ वो कैसे करता है आज आपने मेरे सामने इसको लिया आपको बढ़िया लगेगा चीजें कुछ अच्छी लग सकती हैं आप हो गए सर सही कह रहे हैं लेट मी इंप्लीमेंट दिस तो आप कहते हैं आपका मन एकदम से पीछे से कहता है रुक जा अगर सुबह चार बजे से करें तो कितना बढ़िया रहेगा तो आप कहते हो कि ठीक है यार चार बजे मतलब पीछे से पोप आउट होता है दूसरा माइंड वो बहुत बदमाश माइंड है नंबरी माइंड है जो पीछे है तो आप उसे कहते हो चार बजे आप कहते हो चल ठीक है भाई बजे से कर लेंगे और आज चार बजे का आप अलार्म लगा देते हो फिर सुबह जब आप चार बजे उठने के टाइम पे होते हैं आजकल मौसम कैसा है आपको पता है रात को नींद नहीं आती सुबह बढ़िया नींद आती है तो सुबह जैसे ही चार बजे का अलार्म बजता है वो एकदम से पीछे से कहता है उठने को तो उठ गया बस तो क्या है अगर दो मिनट और आराम से लेट लिया तो कितना फ्रेश उठेगा कितना फ्रेश पड़ेगा आप कहते हो हाँ बात सही है आप उसे बंद करते हो फिर से लेट जाते ये जो पीछे वाला माइंड है आपको ऐसी गड़बड़ कराता है और कहता है कल करेंगे तो इसको आपको दबा के रखना है ज्यादातर लोग इसको दबा नहीं पाते और वो मुश्किल में ला देता है मतलब सारा काम खराब कर देता है तो इसको आपको बच्चों पकड़ के रखना है तो प्रैक्टिस करनी है वो बार बार कहेगा क्या बताएगा आपको अरे यार कल ही तो एक क्वेश्चन किए कहते शेक्सपियर के अब क्या करने की जरूरत है हैं मैं मैं कोई इतना बेवकूफ थोड़ी हूं ये ही गलती कर दोगे इससे ही प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाथ उठाने के प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाओ कुछ नहीं करना है चाय पी के बैठो मस्त वाली और चाय पी के शुरू कर दो मेरा ये 2011 वाला कर लिया 12 वाला कर लिया तेरा घटना चक्र को मैंने पूरा रट लिया कोई भी कोटेशन नहीं छोड़ी है आप देखो तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा जबरदस्त कॉन्फिडेंस ये बच्चों आपकी प्रैक्टिस है इसका कोई भी तोड़ नहीं है इसको समझ लेना नेक्स्ट बात को जरा समझते हैं डेली कमिटमेंट डेली कमिटमेंट का मीन्स बच्चों क्या है इस पॉइंट का जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई हर दिन मुझे हर दिन मुझे मैंने समझ लिया है कि मेरी तैयारी पांच घंटे की एवरीडे है तो ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है तो और इस घंटे में उस टाइम में और कुछ भी नहीं करना एक बार को धरती हिल जाए क्या हिल जाए बच्चों धरती हिल जाए लेकिन आप नहीं हिलोगे लेकिन इस कमिटमेंट को लाने के लिए आपको बहुत बड़ा फोर्स लाना पड़ेगा अपने अंदर क्योंकि चारों तरफ टेम्पटेशन है फेसबुक का टेम्पटेशन है ये वो और हाँ एक बात मैं और बता देता हूं आपको सब बच्चे यहां पे ध्यान से देखें आपके फेसबुक है नंबर वन और बच्चों दूसरे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप याद रखो इसमें बहुत सारी चीजें चल रही है मैं चेक करता रहता हूं और मुझे पता है इनके साइड इफेक्ट इसपे बात चल रही है कि अभी अगस्त में नहीं होगा हमारा ये तो सितंबर में जाएगा कुछ लोग कह रहे सितंबर में पक्का होगा हो ही नहीं सकता अगस्त में आप समझ लो बच्चों इनको कभी नहीं देखना है एक्चुअली ये लोग कौन होते हैं ये ध्यान भटकाने वाले होते हैं जैसे इसने कहा कि अगस्त में नहीं ये, ये बड़ा इंपैक्ट करता है माइंड पे कहता है अरे सेप्टेबर में होगा ये तो सही कह रहा है अब कैसे हो सकता है अभी तो कोरोना ने तीसरी लहर आने वाली है कुछ नहीं आती बच्चों एग्जाम होता है आ गई तो आ गई इट्स ऑलराइट देखेंगे लेकिन आप तैयारी तो रखें अगर हो गया अगस्त में क्या होगा तो इन लोगों को कभी नहीं सुनना है उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ये जो तैयारी करे इनको मनोबल तोड़ दो डिसअपॉइंट कर दो और अपना सिलेक्शन हो जाए रास्ता साफ करते हैं अपना नेवर गो टू दीज थिंग्स इनको तो हटा ही दो माइंड से क्योंकि जब न्यूज आएगी आ, शिक्षा बोर्ड के मतलब साइट पे आएगी आपको खुद पता चल जाएगी सो नेवर गो फॉर दिस और हर एग्जाम में ध्यान रखना है चाहे आपका डीएसएस का है बच्चों या दूसरा है हाँ जी बिल्कुल सही है रीना एग्जैक्टली exactly. संयोगिता तो बच्चों इसको हटाना है माइंड से अगली बात तो मैंने बता दिया हर दिन का जो काम है उसको तो पक्का ही करना है आपको मतलब दुनिया हिल जाए क्योंकि आपको पता है मैंने कहानी सुनाई थी सब बच्चों को कि आप दुनिया को कभी भी खुश नहीं कर सकते तो इसका मतलब है खुद को खुश कर लो और खुद खुश हो तो बाकी भी खुश हो जाएंगे अपने आप राइट बच्चों डेली कमिटमेंट आपको पूरा करना है अगले पॉइंट पे आ जाओ रिवीजन रिवीजन की मैं आपको कहानी बता देता हूं बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें याद नहीं होता हम भूल जाते हैं हमारी कहानी कैसी है मुश्किल आ जाती है तो उसका देखो क्या है कारण बीइंग का जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है सी लुक एक्चुअली बच्चों क्या होता है ये है ग्राफ हमारा हमने एक दिन में हंड्रेड परसेंट तो हम पढ़ ही नहीं पाते हंड्रेड परसेंट है एट्टी परसेंट पढ़ पाते हैं मतलब हमने अगर पढ़ा तो ऐसे कर करके हमारा एट्टी परसेंट तक ग्राफ चला जाता है जैसे हमने टॉपिक पढ़ा वन टॉपिक उस टॉपिक में बच्चों हमने चार घंटे लगाए फाइव आवर्स और हमने 80 परसेंट उसको समझ लिया देखो ये प्रेजेंट टाइम है अब नाउ प्रेजेंट स्टेट हमने समझ लिया चार घंटे लगा के 80 परसेंट समझ में आ गया ऐसे ही आता है ह्यूमन बींग का अब देखो क्या होता है माइंड में क्योंकि हम विवेकानंद जी नहीं है हम एवरेज पर्सन है तो ऐसे होते हैं मेमोरिकल लैप्स ऐसे होता है बच्चों ये देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो आप क्या हो रहा है ये पहले 24 घंटे हैं ये अगले 24 घंटे हैं ये अगले 24 घंटे हैं ये अगले 24 घंटे हैं अगले 24 घंटे हैं ये अगले 24 घंटे हैं एक दो तीन चार पांच छह और ये रहा बच्चों सेवन अब देखो कैसे ये गया ये गया ये 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 गया ये गया ये गया ये गया है ना कितना रह गया पांच परसेंट जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो आज समझ लिए ऐसे ही हमारा मैं इसको हटा देता हूं इसे समझने में हेल्प करेगा पांच रह जाता है एक हफ्ते में वन वीक में, हफ्ता वन वीक में वन वीक में बच्चों कितना रह जाता है ओनली एंड ओनली फाइव परसेंट और दूसरी बात देखो आगे अगर आप इसे एक महीने पे ले गए एक महीना या बच्चों आप ले गए इसे चार महीने तो चार महीने में बस टॉपिक का नाम याद रहता है कि टॉपिक हमने पढ़ा था शेक्सपियर बाकी कुछ ध्यान नहीं है और अगर छह महीने हो जाए तो सब गायब हो जाते यही पता नहीं रहता हमने पढ़ा बिता ये होता है तो ये क्या है ये मुश्किल वाली स्ट्रेटजी है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बहुत तेज है हम मानते हैं पढ़ लिया तो पढ़ लिया हमने कुछ उसके लिए किया नहीं अब देखो क्या करना है आपको एक्चुअली बच्चों हकीकत ये है हमारे माइंड की हमारा माइंड कैसे वर्क करता है ये बहुत चलाएमान है बहुत तेज है और बहुत शार्प भी है और दुनिया को जीत सकता है ये भी पक्की बात है वट यू नीड टू डू कि ये जो चार घंटे आपने लगाए इसको समझो आप यहां पे एक वीक का ही प्रोसेस है बच्चों और कुछ नहीं है ये जो आपने यहां पे चार घंटे लगाए हैं फर्स्ट डे में ये चार घंटे लगाए आपने सिर्फ एक वीक के लिए अब आपको क्या करना है पहले चौबीस घंटे के अंदर यू नीड टू गो फॉर फर्स्ट रिविजन मेरी बात को मानना बहुत जरूरी है और याद रखो इस फर्स्ट रिवीजन में बच्चों आपको चार घंटे नहीं लगेंगे चार तो आपने लगा दिए ये लगा दिए फोर आवर्स प्लस आपका लगेगा मुश्किल से दो घंटे करेक्ट तीसरा रिविजन एक घंटा चौथा रिविजन थर्टी मिनट्स पांचवा रिविजन थर्टी मिनट्स और आगे बच्चों लगेंगे ओनली फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ये पक्की बात है साइंटिफिकली प्रूव है मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैंने अप्लाई किया है प्लस प्लस अब आप देखो चार दो छह घंटे सेवन सात घंटे ये हुए और एक घंटा ये आठ घंटे और नो आप नाइन आवर्स लगा लो अब देखो इससे क्या होता है कि जैसे ये ये गिरा ये ग्राफ ऐसे उठ जाता है जैसे ही ये गिरा बच्चों ऐसे, ऐसे उठ जाता है ऐसे उठते उठते अब ये ऐसे अब याद रखो ये कैसे रहता है अगर आपने इसको यहां तक रिवाइज कर लिया यानी कितने रिविजन दिए आपने कम से कम आपने इसको सिक्स रिविजन चाहिए जो साइंस है वो कहता है सिक्स रिविजन आपको देने ही देने हैं इसके बाद क्या होगा कि रिटेन रहेगा अगले छह महीने तक कम से कम और बच्चों एक साल तक भी जाता है मतलब सिक्स मंथ तक आप उसे भूलेंगे नहीं कोरिलेट कर सकते हैं एवरीवेयर जहां भी आप यू कैन कोरिलेट दिस अप टू इसका मतलब होता है कि कई बार आपको याद आया कि शेक्सपियर का लवर लोस्ट है तो आप उसको याद करोगे अच्छा इसका तो ये करेक्टर है अच्छा इसका स्टेटमेंट ये है ये सब कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने ये किया है लेकिन अगर आपने सिर्फ चार घंटे करके छोड़ दिया तो आप इसे ना तो रिकनेक्ट कर पाएंगे ना रिकॉल कर पाएंगे ना ही सबमिट कर पाएंगे वो सारा गड़बड़ हो जाएगा माइंड उसे कभी ध्यान नहीं रखता हमें इसे करना होता है ये है स्ट्रेटजी तो याद रखो वन परसेंट तो करते हैं बच्चों ये काम जो जीतते हैं और नाइनटी नाइन परसेंट जो होते हैं वो ये करते हैं ये वाला ये वाला प्रोसेस हमारा है गड़बड़ वाला ऐसे करके ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे नीचे मिल जाता है बराबर हो जाता है ये चार घंटे भी हमारे खराब गए यानी जबकि हम सोचते क्या रहते हैं डन हो गया हमारा तो हम तो इंटेलेक्चुअल हैं हम तो जबरदस्त हैं हमें कोई नहीं हरा सकता लेकिन हकीकत यह है करेक्ट एवरी वन तो यह बच्चों क्या होना है आपको रिविजन अगेन मैं इसको बता रहा हूं पॉइंट हमारा क्या है Revision आपका कैसे होना है तो मेक एटलीस्ट सिक्स रिविजन आपको बच्चों छह बनाने हैं थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता जाएगा बस उसका अगला देखेंगे बीन टच विद डिमांड डिमांड का मीन बच्चों क्या हुआ कि जैसी भी समय की डिमांड है टाइम कम है ज्यादा है या आपकी जैसी भी सिचुएशन है आपको वोकेबलरी पे फंक्शन करना है उसी तरह से करो आप देख लो कि मैं तो वोकेबलरी को बढ़िया से कर दूंगा सिर्फ मुझे कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है मेक द प्रैक्टिस ऑफ दैट जो भी डिमांड हो जैसी भी हो उसी के तरीके से आप उसे बना सकते हैं अगला देखेंगे इसमें मोटिवेट योर सेल्फ ये बहुत जरूरी है मोटिवेट करना अपने आप को दो तरह का मोटिवेशन है इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक और बच्चों एक्सट्रेंसिक याद रखो एक्सेंज हमें बहुत आता है हमें हम ज्यादा इससे ही बने रहते हैं इससे क्या होता है हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया है ना और घर वालों ने हमें उसी दिन लताड़ दिया भयंकर रूप से सुना दिया यही पड़ा रहता है ये नहीं करता वो नहीं करता ये वो हम भयंकर हो जाते हैं अब हमारा जो आ, मोटिवेशन है वो इस तरह से पोपअप हो जाता है एक ही दिन में इतना बड़ा ऐसे अब नहीं छोड़ेंगे दुनिया को दिखा देंगे फाड़ देंगे चीर देंगे ये वो लेकिन चार पांच दिन बाद फिर से उसी ढरे पे आ जाते हैं और ऐसे चलता है फिर किसी का सिलेक्शन होता है फिर एकदम से पॉप अप हो जाता है ये बड़ी मुश्किल चीज है इससे बचने का कहानी है ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन ये बहुत कम रहता है इसको पैदा करना पड़ता है आपको इसको बच्चों क्या करना पड़ता है आपको पैदा और उसे कैसे करेंगे अपना जो मोबाइल है उसमें जबरदस्त कोटेशन रखिए उसमें बढ़िया बढ़िया बायोग्राफी रखिए गांधी जी के स्ट्रगल को पढ़िए सुभाष चंद्र बोस के भगत सिंह के स्ट्रगल को वो कैसे थे क्या करते थे हिटलर को पढ़िए मतलब इन बड़े बड़े नेपोलियन को पढ़िए वो कैसे जीतते थे क्या माइंड में रखते थे कि आगे ऐसा होगा तो समुद्र में कैसे पार करूं फाइंड आउट दिस तो इंटेंसिक मोटिवेशन एवरीडे दे क्योंकि ह्यूमन बींग देखो ह्यूमन बींग कैसे वर्क करता है ह्यूमन बींग का माइंड ऐसे वर्क करता है बच्चों कि आप आज कितनी डेट है ट्वेंटी ऑफ जून आज आप मोटिवेट हो गए कि सर की बात बढ़िया है हम इसे अप्लाई करेंगे अब देखो आपने आप पोप हो गए पूरी तरह से आपने ठान लिया है छोड़ेंगे नहीं पांच घंटे चार घंटे छह घंटे ये पढ़ दिया पढ़ दिया पढ़ दिया ट्वेंटी अब थर्टी जून पे आ गए तब तो कहते हो अरे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं यार ऐसे मतलब अपना मस्ती करने लगे ऐसे डाउनग्रेड होते चले गए मस्ती कर लेते हैं मस्ती कर लेते हैं अभी तो बहुत टाइम है ऐसे गड़बड़ हो गया या फिर बच्चों क्या हुआ आपने बढ़िया शुरू किया आपके माइंड में टारगेट है लेकिन धीरे धीरे से भूलते रहे एक दिन मैसेज आ गया मैसेज आ गया आपके पास सुंदर सा एक वो पिक लगा हुआ है उस पर डीपी मैसेज आ गया आई लाइक यू आई लाइक यू समझो आपका सिलेक्शन यहीं पे हो गया खत्म अब कुछ जरूरत नहीं आपको अगस्त की ये आई लाइक लाइक यू के चक्कर में ही रहोगे आप छोड़ोगे नहीं मतलब भटक जाओगे पूरी तरह से या फिर बच्चों कुछ और हो सकता है ऐसा ही मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर घर में प्रॉब्लम हो सकती है भाई कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है है ना आपकी शादी भी हो सकती है इसी बीच में फिक्स तो भी फंस गए और पता नहीं क्या क्या मतलब सो सोमैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है और छोड़ो मुश्किल आ सकती है कैसे मैं रूम लू रू, कैसे पढ़ाई करूं कैसे कोई बैच ज्वाइन करूं ये हमेशा लगा रहेगा ये बच्चों कभी खत्म नहीं होने वाला है इसी को रखते हुए आपको सिलेक्शन लेना है इसको बात में ध्यान रखना क्योंकि ह्यूमन बींग ऐसा ही होता है वो ऐसे ही वर्क करता है तो क्योंकि आप इसे बार बार भूल जाते हैं चीजों को यह गड़बड़ हो जाती है आपको मोटिवेट करना पड़ेगा इंटरेंसिक मोटिवेशन खुद को देना पड़ेगा तो एवरीडे यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ खुद को आपको बच्चों मोटिवेट करना होगा करेक्ट बाब अगले पॉइंट पे आते हैं जरा सिटिंग प्लान देखो आज से ही सिटिंग प्लान को बनाएंगे सब बच्चे ये बड़ा मुश्किल काम है ये बड़ा मुश्किल काम है सिटिंग प्लान का कुछ बच्चे एक घंटे भी नहीं बैठ पाते मैं आपको बताता हूं ये मुश्किल काम है आपको बच्चों कम से कम कम से कम तीन घंटे का एक सिटिंग प्लान कितने घंटे का थ्री आवर्स का वन सिटिंग एक सिटिंग में तीन घंटे बैठो फिर उठो आप चाय पियो देखो कितना मजा आएगा उस थकान के बाद तीन घंटे पढ़ने के बाद मन करता है तो वही टेबल पे सामने जो आपका है टेबल पे मुंह लगाओ और सो जाओ नीचे को ऐसे करके ऐसे करके सोने के बाद एकदम रिफ्रेश दो मिनट में रिफ्रेश हो जाओगो पांच मिनट में रिफ्रेश बैठे रहो उठो मत लेकिन सिटिंग प्लान बनाओ ये आपको आदत डालनी पड़ेगी ना कि आधे घंटे के भाग गए फिर मन किया कि चलो खाना खा लें दोस्त आ गए इसके साथ नहीं नहीं ये नहीं करना तीन घंटे बैठ जाओ सब कुछ ऑफ कर दो क्लॉज एवरीथिंग राइट एवरीवन सिटिंग प्लान बच्चों आपकी अगले पॉइंट पे आएंगे पॉइंट आपके खत्म हो गए तो देखो ये सबसे बढ़िया आपकी प्लानिंग है तो मैंने आपको कई सारी में बच्चों बता दी है इस तरह से आप अपनी प्लानिंग आज से बना सकते हैं चाहे आपके पास फिफ्टी डेज है या बच्चों के कमेंट्स भी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं जी बच्चों वॉक सेक्शन कंटिन्यू रहेगा हाँ बिल्कुल विमल इसको हम करेंगे मोटिवेशन भी दो या तीन दिन रहता है एग्जेक्टली यही होता है और सब बच्चों को पता भी है मतलब वी आर सेम मेरे साथ भी होता है आपके साथ भी होता है इवन मोदी जी के साथ में भी होता है ऐसा नहीं कि लोगों के साथ में नहीं होता अमित शाह जी को देखो बैठे रहना चाहते हो उठना नहीं चाहते लेकिन उठना पड़ता है रैली में जाना पड़ता है बड़ी मुश्किल बात है जी हां संयोगिता बिल्कुल ये है ये सारी कंडीशन है बच्चों अगर आप देखे तो तैयारी यूपी टीजीटी की करें या डीएसएस <laughs> जी संजय बिल्कुल ये होता है मैं समझ रहा हूं देखो दोनों आपने भरे हैं अगर आप डीएसएसबी की तैयारी करते हो तो बच्चों बाकी तो सारा उसमें हो ही जाना है वैसे जहां तक मुझे लगता है यूपी टीजीटी पीजीटी का इज मोर इजियर इज इजियर देन द डीएसएसबी क्योंकि वहां पे आपके जीके हैं करंट अफेयर है पेपर वन है एक्सेट्रा वो सारा मिला के काफी कुछ है यहां पे सिर्फ आपको क्या पढ़ना है ग्रामर पढ़नी है लिटरेचर पढ़नी है खत्म बात आपकी वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आने हैं तो वन ट्वेंटी और इस बार तो इंटरव्यू भी नहीं है जहां तक मुझे पता है इज नो इंटरव्यू सो ये और भी आसान रहेगा आपके लिए तो क्या इस बात को पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे अब मैं स्ट्रेटजी बताता हूं बच्चों के हम कैसे कैसे आपके साथ में वर्क करेंगे हाउ वी वुड बी वर्किंग फॉर यू तो इस बात को भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं हाँ जी <laughs> बिल्कुल ठीक है आरती जस्ट मैं बताने जा रहा हूं सब बच्चों को जी बच्चों बेसिकली हमने क्या किया है ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है ना मतलब ये सारी चीजें क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं रहा हूं आपकी तरह से तो मुझे पता है आप उस फेज में हैं और मैं उससे निकल चुका हूं तो ये बस डिफरेंस बन जाता है तो मैं आपको बता सकता हूं उस एक्सपीरियंस को अब मजेदार बात देखो कि हम यहां से क्या कर रहे होंगे एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे जो मैंने आपके लिए शुरू किया था कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई जैसे हम हमने शेक्सपियर अगर बच्चों आप शेक्सपियर इन्हीं चौदह पंद्रह जो वीडियो हैं आपकी इससे कर लो और उन्हें तैयार कर लो तो मुझे नहीं लगता कि शेक्सपियर का कोई क्वेश्चन रुकेगा थोड़ा सा और पढ़ लेना

मेन हमारा फोकस बच्चों प्रैक्टिस पे रहेगा हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तोड़ के उसको आसान लैंग्वेज में बना के आपको प्रोवाइड किया जाए और स्पेसिफिक रहेगा इन एग्जाम के टीचिंग एग्जाम तो हम उसको लेके चलेंगे बाकी वो सारी एग्जाम्स में लगवाई जैसी होती है कुछ भी पूछा जा सकता है तो इन दोनों चीजों को हम कंटिन्यू रखेंगे तो ये तो बात है बच्चों आपकी प्रैक्टिस की नंबर और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बहुत डेप्थ में जाना चाहते हैं मतलब प्रैक्टिस तो यहां पे होती रहेगी वो डेप्थ में जाना चाहते हैं वो एक क्लोज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात कर सकते हैं है ना काफी सारे बच्चों को मैंने बताया था कि इफ यू आर फॉर तो ऑफ तो जून से करियर पे बैच हमारा शुरू हो रहा है कुछ बच्चों काफी सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन भी किया है जिनको जरूरत थी जो बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और उनको लगता है कि नहीं मुझे यूपी टी डी पीडीटी पे फोकस करना है तो कॉन्टेक्ट में वो बात करें आई विल यू द वे ठीक है बच्चों हां फनी एग्जाम्पल्स लेके बिल्कुल ही ना उसी तरह से हम करेंगे तो बच्चों कोशिश यही रहेगी कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें और कब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा एग्जाम होता है और मेरा मन है और मेरा विश्वास है कि व्यू वुड बी डूइंग समथिंग वेरी वंडरफुल uh, कुछ ग्रेट करके हम रखेंगे यहाँ पे तो चलिए बच्चों आज मैंने समय लिया आपका बट होप कि हमने वेस्ट नहीं बल्कि इस टाइम को इन्वेस्ट किया है और ये हमें अच्छा फ्रूट देगा आगे राइट बच्चो चलिए फिर कल कल से अपने वर्क की शुरुआत करते हैं और सब बच्चे अपना ध्यान रखें वर्क करें घर पे स्टे करें और लगातार वर्क करते रहें करेक्ट बच्चों जी थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम थैंक यू बच्चों